शुरू में मैं एक बात ऐड करूंगा, पाकिस्तानी बखूबी जानते हैं इमाम मस्जिद तरावीह पढ़ा देता है हमें और जी सुबह रोजा है और बाद में ईद का ऐलान हो जाता है। लोगों ने तरावीह पढ़ी होती है कि दूध को जाग लगा दी है कि दही जम जाए सुबह सारी में इस्तेमाल करेंगे और पता चलता सुबह तो ईद हो गई है रात 11 बजे। इस दफा देखते हैं क्या। बहरहाल मैं आपको सऊदी अरब के मुतल्लिक अपडेट करता हूँ। रहमानुर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ईद के मुतल्लिक आपको पता चाहे हमको ये जारी है जी, फाइनली तो पता लगेगा बाद नमाज मगरब और उसके फौरन बाद ही, यानी कि तकरीबन आधे घंटे या एक घंटे के अराउंड में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी की जो सूरत है उससे आपको अपने सूरत से मुराद ये है जी, पहले वीडियो के शुरू में बता दूं मैं कि कोई भी परदेसी भाई, मेरा पाकिस्तानी इंडियन चाहे बांग्लादेशी भाई है, किसी भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर यार ऐसी वीडियो मत लगाइएगा कि भाई सऊदी अरेबिया में जुम्मे वाले दिन ईद होगी, ईद का ऐलान हो गया, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्ती से मना किया गया है जुमे रात वाले दिन यानी कि बाद नमाज मगरिब, ये भाई आप खबर लगा सकते हैं जब सऊदी अरेबिया की तरफ से कंफर्म हो जाए, उसके बाद आप कंफर्म लगाएं। मैं भी लगाऊंगा उस टाइम कंफर्म। अभी की जो सूरत हाल है सामने आ रही है वो ये बताया जा रहा है, मैं इस वीडियो में सिर्फ क्लियर वही करने की कोशिश करूंगा कि अगर यानी कि जुमे रात वाले दिन ये बाद नमाज मगरिब चांद देखा जाएगा और ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यानी कि वज़ारत अदलिया की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया जी, मक्का एंड जद्दा वगैरह किसी भी शहर में है जी वहां के आसमानों में ये तलाश किया जाएगा। और दूसरी बात ये है जी कि इसमें बताया ये जा रहा है कि जुम्मे रात वाले दिन यानी कि बाद नमाज मगरब ये चांद की जो लोकेशन या लोकेशन से मुराद ये है कि जो उम्र उसकी बताई जा रही है वो तकरीबन 25 से 30 मिनट अराउंड में है, यानी कि आधा घंटा तक चांद नमूदार होगा और ये आंख से नहीं देखा जाएगा, ये भी क्लियर किया गया है साथ में। हाँ, दूरबीन वगैरह से आप देख सकते हैं। और बताया ये जा रहा है जी महरे फल्कियात की तरफ से, और जुम्मे वाले दिन वो बोल रहे हैं जी कि ईद होने के चांस हैं, इम्कानात हैं। इसमें भी कोई भी किसी किस्म की कंफर्म न्यूज वो अभी खुद भी नहीं बता रखे हैं। सैटरडे वाले हफ्ते वाले दिन भी ईद हो सकती है, आप अगर हफ्ते वाले दिन करेंगे। वैसे पाकिस्तान या सऊदी अरब की बात करें तो दोनों इस वक्त रोजे तो हमारे बराबर ही जा रहे हैं, हो सकता है ईद भी बराबर ही आ जाए, लेकिन ये बाई चांस ही होगा मेरे हिसाब से। मेरा जो मानना है खुद क्या है, चलो वीडियो क्लास में बता दूं कि मेरा ये मानना है कि सऊदीया में जुम्मे वाले दिन ईद इंशाल्लाह हो जाएगी, और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में लग रहा है कि हफ्ते वाले दिन, बाकी कोई भरोसा नहीं है इनका। ये तरावीह पढ़ाकर भी बाद में बोल देते हैं सुबह ईद होगी।